हर हर महादेव। देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी हम हैं चौसा मधेपुरा शिविर के पास। यहाँ पर देख रहे हैं ये शिविर भी बहुत अच्छा चालू रहता है, पहले भी दिखाए हैं, बस आज अपडेट दिखा रहे हैं कि हम जो है कहाँ से शुरू किए हैं। और चलते हैं, दिखाते हैं इधर का दुकान, इधर की तैयारी। सावन में अभी देख रहे हैं आखिरी टाइम में, दोपहर के टाइम में जो है भीड़ कुछ कम दिखाई दे रहा है, बाकी तो सुबह और शाम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। अभी देख रहे हैं पूरा पथ खाली दिखता है कहीं कहीं पे, फिर भी जो होता है वो आप सभी तक दिखाने का हमारा प्रयास जारी रहता है। देख रहे हैं जगह जगह पर शौचालय घरना सारा कुछ देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। देख रहे हैं यहाँ पर दुकान बहुत चालू है, बहुत ज़्यादा चालू भर, तो इस जगह पर दिखाते हैं लगभग 9 से 10 महीना दिखाते हैं कि पूरा जो है खाली रहता है। और आगे चलते हैं, यहाँ से जो है ना नीलकंठ शिविर का जो है दिखने लगा है पूरा पंडाल। ये शिविर का भी अपडेट जो है आप सभी तक पहुँचाए थे, दिखाए भी थे सावन के शुरुआत में कैसा जो है यहाँ पर शिविर में तैयारी था, कितना ज़्यादा कांवरिया थे। इस जगह पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता जा रहा है, कहीं कहीं खाली दिख रहा है, पर वैसा नहीं है जैसा आप सभी को लगभग एक सप्ताह पहले दिखाया करते थे। ये देखिए नीलकंठ महादेव सेवा समिति औरंगाबाद वाले हैं। अभी देख रहे हैं शिविर भी खाली है, वही लग रहा है कि भीड़ में कमी हो गई आप सभी भक्तों की। और आगे देख रहे हैं, थोड़ा सा चलते जा रहे हैं, श्रावणी मेला का जो भी भीड़ था वो तो कम देखने को मिलता जा रहा है। और यहाँ से 10 पेशिया की दूरी 4 किलोमीटर है जलेबिया, यहाँ से कहेंगे तो 7 से 8 किलोमीटर होगा। और आप सभी को ऐसे ही चल चल के अब जो है ना सावन के बाद से दिखाना शुरू कर देंगे। अभी भीड़ कम था इसलिए सोचे हमने एंट्री ले ली इधर से ही आप सभी को दिखाते हुए, भीड़ ज़्यादा रहता है तो चलने में बहुत ज़्यादा समस्या होता, उस वक्त तो आप सभी को दिखा नहीं पाते। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जो है होटल, ये दुकान, छोटे बड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे इस बार लगा है रानीगंज का शिविर, उसमें जो प्रोग्राम हुआ था वो भी आप सभी तक पहुँचाए थे। आज चलते हैं, लगातार तो बढ़ते ही जा रहे हैं आप सभी को दिखाते दिखाते, देखते हैं और आगे क्या दिखा पाते हैं, कितना भीड़ देखने को मिलता है। तो लगातार जो है बने रहिए वीडियो में, आप सभी तक सारा अपडेट सारी जानकारी जो है पहुंचता ही जा रहा है वीडियो के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से। बाकी तो देख ही रहे हैं कांवरिया पथ का नज़ारा किस प्रकार है, खाली हो रहा है भक्तों से, जैसा भी होता है वैसा अपडेट, पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुँचाने का हमारा प्रयास रहता है। और देख रहे हैं वैसे तो पहुँचा भी रहे भाई, क्या बात है, आगे नज़ारा जो है आप सभी तक देखने को मिलता ही जा रहा है। लगातार जो है वीडियो में बने रहिए, और भी चलते हैं, थोड़ा सा और भी आगे चलकर दिखाने का प्रयास रहता है। आगे पहुंचते हैं नीलकंठ शिविर के पास, नीलकंठ शिविर मतलब जहां लगता था पहले उस स्थान के पास, वहां पर जो है इस बार लगा हुआ है रानीगंज का सेवा शिविर। रानीगंज से चलकर आए हैं और इधर में देख रहे हैं जितने दुकान हैं बहुत सारे, अभी तो सावन है पूरा भादो चालू रहेगा, इसके बाद जो है धीरे धीरे खोला जाएगा शिविर, तो जितना है वो सावन के खत्म होते होते ही सारा जो है समाप्त होते होते शिविर जो है चले जाते हैं। शिविर तो सिर्फ और सिर्फ सावन तक ही रहते हैं, जो परमानेंट धर्मशाला है वो तो रहते ही हैं, वो तो है ही तैयार आप सभी की भक्तों की सेवा में। और ये देखिए पहुँच चुके हैं रानीगंज शिविर के पास, वैसे देख रहे हैं ये हनुमाना डैम का पानी आने लगा ना, सीजन हो गया खेती वाला तो पानी भी आ रहा है। पहले आप सभी को दिखा रहे थे पूरा सूखा हुआ था, इधर का देख रहे हैं नज़ारा, दुकान किस प्रकार चालू है, कांवरिया भक्त की भीड़ भी देख रहे हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बाकी तो सारी जानकारी आप सभी तक पहुंचता ही जा रहा है, कब भीड़ होता है कब खाली रहता है। ये देखिए नीलकंठ की जगह पर इस बार लगा है रानीगंज कांवरिया सेवा समिति, देख रहे हैं अंदर शिविर में पूरा जो कांवरिया भक्तों की भीड़ है, पर जो है अभी प्रोग्राम नहीं हो रहा है, अभी होता है तो दिखा भी देते आप सभी को। इस क्षेत्र में देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से आगे चलते हैं तो माकारा का क्षेत्र शुरू होता है, पर इस क्षेत्र में देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता जा रहा है। लगभग जो है हम 3 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया चौसा मधेपुरा शिविर से चल करके। और आगे देख रहे हैं और थोड़ा सा चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र तक दिखाएंगे, माकारा का ग्रामीण क्षेत्र आगे लग रहा है, अगर ज़्यादा भीड़ होगा तो वीडियो को वहीं से एंड कर देंगे। फिलहाल जो भी हो रहा है आप सभी तक पहुँच रहा है, लगातार अपडेट पहुंचता ही जा रहा है, सावन का भादों का भी पहुंचेगा, बाकी तो सालों भर का पहुंचता है आप सभी भक्तों तक, देखते हैं और कब कब का आप सभी तक पहुंचा पाते हैं। कांवरिया भक्तों का जो है बोलबम गूंजना शुरू हो गया है फिर से,
दोपहर में भी गूंजता है, लेकिन दोपहर में देख रहे हैं दोपहर के टाइम में बहुत ही कम भीड़ है, मतलब बहुत ही कम तो बहुत ही कम भाई, इतना भीड़ थोड़ी ना रहता था सावन में। मैंने दिखाया था बहुत ही ज़्यादा भीड़ चलता था, मुझे पैदल चलने में समस्या आ जाती थी, तो अभी मैं बाइक से भी चल के दिखा पा रहा हूँ, इतना सक्षम हो रहा है, खाली हो रहा है बहुत ज़्यादा पथ। वैसे देखते हैं सावन की पूर्णिमा में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, आज तो जितना हो रहा है उतना आप सभी तक पहुँचा पा रहे हैं, आगे का पता नहीं, आगे का भी जैसा होगा वैसा पहुँचता रहेगा आप सभी तक। देखते हैं आगे का नज़ारा और क्या रहता है, आप सभी भक्तों तक पहुँचाने में क्या क्या मिल पाता है। लगातार थोड़ा सा बढ़िए और दिखाते हैं आप सभी को और भी आगे चलकर। ये देखिए ऑटो टोटो वाले भाई इस तरह इसी रास्ते से चलते हैं, कहीं भाई म्यूजिक चला रहे हैं, थोड़ा सा निकलते हैं इनसे भाई, हर जगह म्यूजिक चलता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये देखिए छोटे भोले, क्या बात है, छोटे भोले जब कांवर यात्रा में मिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगते हैं, छोटे भोले की तो बात ही ज़बरदस्त हो जाती है। ये देखिए हमें ही किनारे से निकलना पड़ता है, हॉर्न तो बजा नहीं सकते, हॉर्न बजाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी ना, इसलिए धीरे धीरे करके निकल ही जाते हैं, यही अच्छा रहता है। ये देखिए कैसा नज़ारा है, कैसा अपडेट है, कैसी जानकारी है आप सभी तक जो भी है पहुंच रहा है, देख ही रहे हैं लगभग लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्र से निकलते हुए जा रहे हैं, और भी चलते हुए जाएंगे आगे तक लेकर जाएंगे, देखते हैं। और आगे शिवलोक से पहले ही वीडियो को एंड करने का प्रयास रहेगा, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है और काफ़ी दूर से चल के आ रहे हैं, लगभग जब से हम चल रहे हैं तो आप सबको दिखा रहे हैं 4 किलोमीटर से ज़्यादा चल गए इस रास्ते में, आप सभी को दिखाते दिखाते। और इधर देखें, इधर तो भाई काफ़ी ज़्यादा खाली ही दिख रहा है कांवरिया पर, आगे देखते हैं आगे कुछ ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए दोपहर में ज़्यादातर कांवरिया भक्त जो है दुकानों में विश्राम करते हैं, विश्राम में रहते हैं तो दोपहर में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, जब कभी धूप तेज़ हो जाती है, इस वजह से पिछले साल हमने यहाँ पर दिखाया था बैंड वाले थे, इस बार देखा यहाँ पर बैंड वाले तो है ही नहीं, आगे देखने हमें इस साइड से इस बार निकलना पड़ेगा भाई, थोड़ा थोड़ा कर कर के निकलना ही पड़ता है। हॉर्न बजाऊँगा तो और भी ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं कांवरिया भक्त, क्योंकि उनकी थकान बहुत ज़्यादा रहती है, ध्यान बाबा पे रहता है इसलिए। और लगभग लगभग देख रहे हैं पूरा ग्रामीण क्षेत्र में एंट्री हो गई है माकारा में, चौंसा शिविर से चलकर आए हैं, 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद माकारा का ग्रामीण क्षेत्र में एंट्री हो गई है। और आप सभी तक सारा अपडेट पहुंच गया, कैसा भीड़ था, कैसी जानकारी था आप सभी तक देखने को मिल गया। उम्मीद है कि दोस्तों कुछ ना कुछ आप सभी को आज की वीडियो में भी जानकारी मिली होगी, और यहाँ से जो जलेबिया की दूरी है 4 किलोमीटर है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखने का प्रयास रखेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ नए नज़ारे के साथ। सभी भक्तों को हर हर महादेव, महाकारा का ग्रामीण क्षेत्र से।